सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैंगो ट्री के एयर लेयरिंग के बारे में बताऊंगा। और तो आपने पहले भी एयर लेयरिंग के वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा कि एयर लेयरिंग किस तरह से करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, ताकि आपके भी एयर लेयरिंग 100% सक्सेस हो। तो आप यहाँ पर ये जो ब्रांच देख रहे हैं, ये एक अच्छे वैरायटी के मैंगो ट्री की ब्रांच है, जिस पर मैंने कुछ 30-40 दिन पहले एयर लेयरिंग की थी। तो मैं अभी आपको इस वाले प्लांट पर एयर लेयरिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक अपने उंगली के जितने डायमीटर वाली ब्रांच सिलेक्ट की है, और उस पर मैं कुछ इस तरीके से राउंड शेप में कट लगाऊंगा। और उसके बाद आपको जो आपने राउंड शेप में कट लगाया है, वहाँ पर से इसकी जो छाल है उसे कट करके निकाल देना होगा। आप ये जो कट है वो आधे इंच से लेकर एक इंच तक लगा सकते हैं, मिनिमम आपको आधा इंच का कट लगाना होगा। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से चाकू से जो है थोड़ा सा क्रश करना होगा, ताकि जो कैम्बियम लेयर है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर कट लगा दिया है। तो ये जो प्लांट है, ये मैंने पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट है। तो बड़े ट्री पर एयर लेयरिंग करते वक्त वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको इसी प्लांट पर वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। अभी जो है मैंने लीफ कंपोस्ट लिया है इस पर बांधने के लिए। तो आप इसकी जगह पर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी अगर सॉइल लेना चाहते हैं तो अच्छी ड्रेन होने वाली सॉइल लीजिए, ताकि जब आप लगाएंगे तब आपको बांधने में भी आसानी हो और उसमें रूट्स भी अच्छी तरह से ग्रो करें। तो मैं इस लीफ कंपोस्ट को यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाल के यहाँ पर मैं बांधूंगा। और मैंने यहाँ पर कोई भी रूटिंग हार्मोन पाउडर या कुछ भी नहीं लगाया है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मैंने लीफ कंपोस्ट को ही यहाँ पर डायरेक्टली बांध दिया है। और फिर आपको इसे टाइटली जो है प्लास्टिक से आपको बांध देना होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको बड़े ट्री के ब्रांच पर, यानी बड़े ट्री के अच्छे वैरायटी के बड़े ट्री के ब्रांच पर एयर लेयरिंग करना होगा। और ये जो एयर लेयरिंग है, आप इसे जून से लेकर सितंबर महीने तक भी कर सकते हैं, या फिर आप फरवरी से लेकर मार्च महीने तक भी कर सकते हैं। अगर आप बारिश के मौसम में करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो इस वाले प्लांट पर कुछ 30 से 40 दिन के बाद रूट्स निकलेगी, तब हम इसे नीचे से कट करके किसी पॉली बैग में लगा सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दो ब्रांच है, इस पर मैंने कुछ 30-40 दिन पहले एयर लेयरिंग की थी। तो मैंने इसे सितंबर के एंडिंग में मंथ एयर लेयरिंग की थी। तो अभी आप इस पर देख सकते हैं, इसमें से रूट्स निकल चुके हैं। तो अभी मैं आपको इस वाले प्लास्टिक को निकाल के दिखाता हूँ कि आगे क्या करना चाहिए और इसे किस तरीके से पॉली बैग में लगाना चाहिए। और आप इसे बहुत ध्यान से निकालिए, ताकि जो रूट्स है वो डैमेज ना हो पाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें से कितने अच्छे रूट्स निकले हैं। तो अगर आप इसे बारिश के मौसम में करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा भी रूट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी इसमें से सिर्फ 3-4 रूट्स निकले हैं। तो ये रूट्स भी काफ़ी है इसे लगाने के लिए।
अभी मैं इस दूसरे वाले को भी कट करके निकाल देता हूँ। और आप इस तरीके से एयर लेयरिंग करके जो आप प्लांट बनाते हैं उसे आप गमले में लगाने के लिए या फिर अपने टेरेस गार्डन में लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसे ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो आपको एक साल तक इसे पॉलीबैग में लगा कर रखना होगा, फिर आप उसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़मीन में लगाने के बाद आपको गर्मी के टाइम में इसे बहुत ज़्यादा पानी देना होगा, क्योंकि इसके जो रूट्स है वो ब्रांच से निकले हैं। अगर ये सीड से ग्रो हुआ प्लांट होता तो आप इसे ऐसे ही ग्राउंड में लगा कर छोड़ सकते थे, मतलब गर्मी में आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये क्योंकि इसके जो रूट्स है वो ब्रांच से निकले हैं तो आपको इसे गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा पानी देना होगा और अच्छे से इसकी केयर भी करनी होगी। और इस वाले प्लांट पर कुछ एक साल के अंदर ही आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से भी इतने अच्छे से रूट्स निकले हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो मैंने जो कंपोस्ट है इसे निकाल दिया है, और जहाँ हमने कट लगाया था वही जो हम कट लगाते हैं वहाँ पर से ही इस तरीके से रूट्स निकलती है। और पॉलीबैग में लगाने से पहले आपको इसके जो कुछ पत्तियां हैं उन्हें कट करना होगा और इन प्लांट को पानी में डुबाकर रखना होगा। तो आप इसे 3-4 घंटे के लिए भी पानी में डुबाकर रख सकते हैं, या फिर आप पूरे एक दिन के लिए भी पानी में डुबाकर रख सकते हैं, फिर आप इसे अगले दिन भी पॉट में या पॉलीबैग में लगा सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से पानी में डुबाकर ज़रूर रखना है ताकि इसकी जो ब्रांच है वो पॉलीबैग में लगाने से बाद अच्छे से ग्रो हो, क्योंकि जो ब्रांच है अभी हमने अभी अभी पेड़ से कट करके निकाली हुई है। तो अगर आप इसे डायरेक्टली पॉलीबैग में लगा देंगे तो हो सकता है कि ये प्लांट जो है वो मर जाए। तो आपको इसे ध्यान रखिए कि आप कोई भी एयर लेयरिंग करें तो आप इसी तरीके से इसे पानी में डुबा कर रखिए, फिर इसके बाद आप इन्हें पॉलीबैग में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन प्लांट को पानी में डुबा कर रखे हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं, तो अभी मैं इन प्लांट को पॉलीबैग में लगा सकता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने सॉइल मिक्सचर ली है इसमें मैंने 30% काउडंग कंपोस्ट मिलाया हुआ है और 70% है जो है नॉर्मल गार्डन सॉइल है। और फिर आपको इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से पॉलीबैग में लगाना होगा। और फिर आपको इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे आप हल्के से सनलाइट वाले एरिया में भी रख सकते हैं। फिर इसमें 10-15 दिन के बाद जब नए अंकुरण निकलेंगे तो आप इन प्लांट को निकाल के सनलाइट वाले एरिया में भी रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की गार्डनिंग और ग्राफ्टिंग रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ। और अगर आपको सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर आप मैंगो रूट ग्राफ्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।